क्योंकि राजा अब तो पुत्र के यहीं पर जाए, उसी को खिलाए, उसी का लालन पालन करे। अब तो राजकार्य से का कार्य कम संभाले और पुत्र को ज्यादा खिलाए, उसके प्रेम में ज्यादा लीन हो गए। इधर राजा ने विचार किया और एक दासी को बुलाया, ए दासी, हम जो कहेंगे करेंगे या बड़ी रानी जो कहेंगे कि महारानी मैं तो सबकी दासी हूँ, जो कहोगी सब कही नहीं। देख, एक तरफ तो हम सब हैं और एक तरफ वो अकेली है। हम तुझे यदि थोड़ा थोड़ा एक एक रुपए भी देंगे तो सैकड़ों हो जाएंगे, और यदि हम तुझे जान से भी मरवा देंगे तो राजा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। करना क्या है, हम जो चीज देंगे उसे लाला को देना है। महारानी क्या है कि जहर है, जहर का नाम सुनते कहां गई, देख ले नहीं तो तुझे जान से भी मरवा देंगे। एक तरफ तो भय और प्रेमी, दूसरी तरफ लोभ भी, और इसलिए वो जहर ले लिया और छुप करके और लाला को जाकर के और दे दिया। जो ही पुत्र को जाकर के जहर दिया सुबह सुबह ही, और प्रेमियों बड़ी रानी तो अपने काम धंधे में व्यस्त थी, अपने कार्य में व्यस्त है, अपनी जो दासी है उसे कहा दासी हरी देख लाला अब तक भी नहीं उठा है, जरा देख के आ। दासी जो ही पहुंची है, दासी ने जाकर के लाला को जैसे ही देखा इधर हाथ लाया तो हाथ उधर गिर गया, उधर गर्दन को जो ही झुकाई तो गर्दन इधर से उधर, क्योंकि लाला का तो नीला तो वर्ण हो गया, आंखों की पुतलियां स्थिर हो गई, रुक गई है। और फिर देखते देखते जान गई कि तो ऐसा हो गया जैसे मृत हो। दासी जोर से चिल्लाई, महारानी महारानी देखो लाल को क्या हो गया, लाल को क्या हो गया। इतना सुनते ही तो रानी दौड़ती हुई आई और जो ही लाला को देखा उठाया तो जैसे मृत है, उसी आते ही और रानी पछाड़ खा करके और गिर पड़ी है और बिलख बिलख करके रोने लगी है। अरे विधाता, तूने क्यों तो पुत्र दिया और क्यों पुत्र ले लिया। रानी बड़ा भारी वदन जब कर रही हैं, उधर निवास में भी आवाज पहुंच गई है, अब ये दुष्टाएं जो थी भी आकर के झूठ मूठ रोने लगी है। और फिर ये कोहराम मच गया है, ये कोहराम जब पूरे नगर में पहुंच गया तो जो नगरवासी थे सभी विचार करने लगे, अरे विधाता, हमारे राजा का बड़ा मुश्किल से तो भाग्य जगा था, तूने बहुत सुखद समाचार हमें बहुत वर्षों के बाद में दिया था, लेकिन आज ये तू क्या सुना दिया हमें। तो पूरे नगरवासी जहां तहां यही चर्चा हो रही है पूरे गांव में, और नगरवासी भी रो रहे थे, सारी जनता जनार्दन जब रो रही है। और प्रेमियों राजा को जब पता लगा तो राजा सिंहासन से गिर पड़ा। मंत्री लोग जो उठा करके लेकर के आए हैं, राजा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जो ही पुत्र के पास आया, पुत्र को छाती से चिपका लिया और बिलख बिलख करके राजा और रानी रो रहे हैं। राजा बार बार तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि अरे बेटा, तुम मुझे छोड़ करके क्यों गया, अब मैं किसको गोद में खिलाऊंगा लाला। माँ भी बिलख बिलख करके रोने लगी, कई माता बहन धीरज बधाने लगी है, लेकिन प्रेमी जाके कांटो लगे सुई जाने। जिसने अपने लाल को खोया है वही जानती है, जिसने अपने पुत्र को खो दिया वही जानती है कि पुत्र की ममता क्या होती है, पुत्र क्या होता है। और प्रेमियों, राजा और रानी बड़े दुखी रो रो करके चम चम आहो विधाता त्वमतीव बालिशो यत् त्वा श्रेष्ठः प्रतिरूपमोह परेणु जीव त्यपराश्य व्रति विपार्यया स्वेतमसि राजा कह लगा रही विधाता, तेरी क्या रीत है, जो वृद्ध हैं, जो बूढ़े हैं, जो मरना चाहते हैं दुख पा रहे हैं, तो उनको तो जिला रहा है, जो बार बार कामना कर रहे हैं
कि ये विधाता अब हमें और कौन सा दिन दिखाई देगा, कौन सा दिन दिखाएगा। उनको तो तू जिंदा रख रहा है और जिनको जीवित रहना चाहिए उनको तू अपने पास बुला रहा है। क्या लीला है तेरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा और रानी के रुदन को देख करके तो प्रेमियों सारा नगर दुखी है, सारा नगर रो रहा है। रानी कह रही है बेटा ओ लाल एक बार तो अपनी माँ से आकर के बोल बेटा, अब कौन मेरे स्तनपान करेगा, मैं किसको दूध पिलाऊंगी, किसको गोद में खिलाऊंगी। लाल बार बार तरह तरह के जो यहाँ प्रेम किया है उनको याद कर करके और माँ बिलख बिलख करके रो रही है। लाल अरे द्वार पर तेरे मित्र खड़े हैं बेटा, अब देखो तेरी बाट जो रहे हैं, तू किन के साथ खेलने नहीं जाएगा तू आज। राजा और रानी बड़े कोहरा हो रहे हैं और प्रेमी उसी समय पर अंगिरा ऋषि आकर के और राजा और रानी को समझाने लगे। राजन अब तो मिट्टी पड़ी हुई है लेकिन धैर्य राजन, मैंने तो कहा था आपसे कि पुत्र आपको हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। राजा कहने लगा महाराज क्या यही हर्ष और यही शोक यही दिन दिखाने के लिए पुत्र दिया था? मुझे ऐसा पता होता तो मैं पुत्र नहीं मांगता, पुत्र की कामना नहीं करता। ठीक है विधाता की जैसी लीला राजन, लेकिन अब दुखी मत हो राजन, संसार में निगाह डालो, देखो संसार में कौन दुखी नहीं है। दुखी तो भैया थोड़ी थोड़ा दुख तो सब तो है, कोई पुत्र के बिना दुखी, कोई पुत्र से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई शरीर से दुखी, किसी को बीमारी ने ग्रस्त कर रखा है, किसी को क्या चोट है, हृदय पर चोट तो सबको लगी हुई है, किसी को आगे तो किसी को पीछे, कोई को बचपन में पिता का साया नहीं है तो किसी पर बचपन में माँ का साया नहीं है तो किसी का बन भाई छीन लिया। विधाता की लीला को कोई नहीं जान सकता। हम तो साधु है ना, जगह जगह जाते हैं। राजा कहने लगा महाराज मैं भी यही सोच रहा हूं, आप साधु हो इसीलिए नहीं जानते आप कि पुत्र की ममता क्या होती है। एक या तो पिता जान सकता है या एक माँ ही जान सकती है। आप साधु हैं, आप वैरागी हैं, आप नहीं जानते, आपको ये पीड़ा नहीं होती लेकिन ये पीड़ा गृहस्थी को होती है महाराज। लेकिन फिर भी धैर्य तो रखो महाराज। राजन हम जग में देखते हैं, विचार करो कि हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। हमने जग की तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। प्रभु की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। प्रभु की अजब तस्वीर देखी, हंसता है दस रोते हैं। हमें हंसते चेहरे चार मिले,
हजार मिले
कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धैर्य बताया ऋषि ने, राजा अब तो ये मिट्टी पड़ी हुई है, दास संस्कार इत्यादि क्रिया करो। महाराज आप यदि पुत्र दे सकते हो तो पुत्र से बात भी करा सकते हो, दो बात करा दो। राजा अब मिट्टी है, ये तो तुम्हारा मोह कि महाराज फिर भी जीवात्मा को आवाज दी, हे जीवात्मा तुम्हारे पिता तुमसे बात करना चाहते हैं। जीवात्मा आकाश स्वामी आवाज आई, महाराज कौन किसका पिता कौन किसका पुत्र, जीवित के नाते हाँ मैं कितने ही जन्मों में इनका पुत्र रह लिया हूँ, कितने ही जन्मों में भाई रह लिया हूँ, कोई पुत्र नहीं। तो जीवित के नाते हाँ आखिरकार वैराग्य हुआ चित्र के टुकु, और प्रेमियों ये चित्र के तु अब तो अपने पत्नी सहित ने त्याग दिया और वन खंड की ओर चले गया, जाकर के और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। सैकड़ों वर्षों तक भक्ति करी, उसके बाद फिर आगे बढ़ा मधुवन ऋषि के आज उत्तराखंड की समस्त यात्राएं करते हुए और प्रेमियों भगवान के भजन में लीन हो गया। हजारों वर्ष जब ये तपस्या में लीन हो गया तो प्रेमियों भगवान की कृपा से सुंदर इसको विमान भी प्राप्त हो गया और गंधर्व का राज्य प्राप्त हो गया है। उचित जब विमान मिला, उस विमान के प्रभाव से यह वातानुकूलित इस विमान में बैठ करके जब एक बार ये कैलाश पर्वत की तलहटी इधर जा रहा है, वहां पर भगवान भोलेनाथ और पार्वती बैठे हुए हैं और प्रेमियों भगवान शंकर ने गिरिजा को गोद में बिठा रखा, संत लोग बैठे हुए हैं उसी समय पर, क्योंकि प्रभु को तो माया दिखानी थी। और प्रेमियों यह चित्र केतु जब विमान को नीचा किया और भगवान शंकर को और पार्वती को सुना करके और कहने लगा, देखो ये जगत के स्वामी बताए निर्लज्जों की तरह पार्वती को बिठा रखी है। भगवान भोलेनाथ ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्वती कहने लगे ये कौन सा ऋषि है, ये कोई सनक सनंदन सनातन ऋषि है, नारद है, धौम्य है, जो भगवान भोलेनाथ को भी मर्यादा सिखाएगा, नीति की बात करता है। दोस्त तू इस योग्य नहीं है, तू तो राक्षस होने के लिए राक्षस होना चाहिए। और प्रेमियों उसी समय श्राप दे दिया, तुम राक्षस योनी में जाओ। और प्रेमियों ये विमान से उतरा, जय उतरा और भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करी, माँ गिरिजा को भी प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ गिरिजा से कहे, गिरिजा चाहता तो ये भी तुम्हें श्राप दे सकता था, लेकिन भक्त की यही पहचान, देखो इसने आपके साथ श्राप को स्वीकार कर लिया, ये जानता कि श्राप में भी मेरा कोई कल्याण हो जाएगा। ठीक है बेटा घबराओ मत, तुम्हें दैत्य यदि तो मिलेगी, लेकिन फिर तुम वापिस पुनः मेरे लोक को प्राप्त हो जाओगे, मेरे प्रिय प्रिय पार्षद बन जाओगे। और प्रेमियों यहीं से जो राजा चित्रकेतु है दैत्य योनि को प्राप्त हुआ, यही जाकर के व्रतासुर बना। और प्रेमियों व्रतासुर को वही नारायण कवच के माध्यम से इंद्र ने मारा है और वही इंद्र में ये वापस समा गया था। राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया उसका सरल तरीके से सुखदेव जी महाराज ने समाधान किया या उत्तर दिया है। हे राजन हिरण्यकश्यपो राजन महाराज कश्यप जी की दो पत्नी अदिति और दिति, दिति के दैत्य और अदिति के देवता है। तो दीदी पुत्र कामना संध्या के समय पर पहुंच गई है पति के पास में, काफी मना करने के बाद में भी काम पास हो गई। आखिरकार कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तुमने एक समय का ध्यान नहीं रखा, सर जो सायंकालीन समय वो भगवान भोलेनाथ के गणों का समय, भूत भावन भगवान भोलेनाथ का, तुमने समय का ध्यान नहीं रखा, इसलिए जाओ तुम्हारे पुत्र तो होंगे लेकिन वो पुत्र ऐसे होंगे जो पृथ्वी को हिला कर दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे। अब तो नीति कहने लगी
कि महाराज ठीक है जैसा आपने कहा वैसा होगा ही, लेकिन महाराज फिर भी ये तो उसका प्रतिफल तो आपको भी मिलेगा क्योंकि आप भी पिता होंगे उन पुत्रों के। लेकिन ठीक है उन पुत्रों में से एक पुत्र के एक पुत्र, तेरे दो बेटे उनमें से एक के एक पुत्र ऐसा होगा जो तुम्हारी आने वाली सात पीढ़ी और पीछे की सात पीढ़ियों को उतार देगा। और प्रेमियों इतना कहा है कश्यप जी ने, और इधर जो दिति है गर्भ धारण कर ली है उसकी खोख में जो बालक पल रहे हैं प्रेमियों, ऐसे बालक जन्म लेने वाले हैं जो गर्भ से ही सूर्य के तेज को फीका पटक दिए हैं, अंधकार सा छा गया चारों तरफ, हवा भी रूखी रूखी बहने लग गई है, आकाश भी स्वच्छ नहीं है, नदियों का जल गंदा हो गया है, मलिन हो गया, सभी देवता डर गए कि आखिर क्या बात है। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कहा भैया भगवान का ध्यान करो, सुंदर आकाशवाणी हुई और काल के समय की प्रतीक्षा करो भैया। बताया ब्रह्मा जी को, अवगत कराया कि दिति के घर में जो दो बालक पल रहे हैं वो दो बालक और कोई नहीं है भगवान के प्रिय पार्षद ही है। देवता कहने लगे भगवान के पार्षद की, हाँ भैया भगवान वैकुंठ में विराजमान है, भगवान विष्णु उनके प्रिय पार्षद जय और विजय दोनों द्वारपाल हैं। एक बार सनक सनातन सनातन और सनत कुमार ऋषि वैकुंठ में पहुंच गए, छह दरवाजे छह देवड़ियां पार कर ली, सातवें दरवाजे पर जब पहुंचे तो जय और विजय जो पार्षद है उन्होंने संतों को रोक दिया, कहा अरे बालक तुम कहां जा रहे हो। सनत कुमार ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, चारों ब्रह्मा जी के स्वरूप में है, समान है, बड़े तपस्वी है, भगवान का ही स्वरूप है, उन्होंने कहा अरे दुष्टों तुम वैकुंठ में रहते हो, तुम संतों की पहचान भी नहीं जानते, जाओ राक्षस हो जाओ। और प्रेमी संत कुमार ऋषि ने श्राप दे दिया, भगवान विष्णु अपना सिंहासन छोड़ करके आए और कहा कि हे विप्रदेव आपने जो श्राप दिया है वो मुझे स्वीकार है, आपने उचित ही दिया है, लेकिन जैसे आपने तो एक जन्म का दिया है मैं इन्हें मेरी तरफ से तीन जन्म का स्वीकार करता हूँ। और प्रेमियों उन्हें तीन जन्म का श्राप मिल गया है, एक जन्म में यही बालक दिति के गर्भ में पहुंच रहे हैं हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, और दूसरे जन्म में यही दो बालक रावण और कुंभकर्ण जो रामचरित्र में हम सुनेंगे यही दो बालक, और फिर द्वापर में यही दोनों बालक प्रेमियों शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लेंगे। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित सभी देवता अपने अपने स्थान को आ गए और दिति के यहाँ पर वो प्रसव कालीन समय नजदीक आ गया है और उन बालकों का जन्म हो गया हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का। जन्म होते ही तो ये विशाल शरीर को धारण कर लिया है और प्रेमियों भगवान की भक्ति से खुश हो दूर। तो प्रेमियों समय जब चलने लगा है और प्रेमियों हिरणाक्ष जो है दानवी प्रवृत्ति का है और प्रेमियों भगवान से वैर स्वभाव है और प्रेमियों उस समय पर पृथ्वी पाताल में थी प्रेमियों, ये दुष्ट भगवान को उद्धार करना चाह रहे थे, पृथ्वी को पाताल से लाकर के स्थापित करना चाह रहे थे। और प्रेमियों इधर ये हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष जो है भगवान को ढूंढता ढूंढता लड़ना चाह रहा है कि कोई मुझे योद्धा मिले, आखिरकार वरुण जी भी रास्ते में मिले और वरुण जी ने इनको रास्ता आगे बता दिया आगे जाओ भैया, और जल में जब प्रवेश किया तो भगवान विष्णु से ही इनकी भेंट हो गई, लेकिन किस रूप में वराह के रूप में, और भगवान ने जैसे ही इसको देखा पापी को और प्रेमियों इसके मुंह पर एक मारी और काफी बड़ा भारी युद्ध हुआ और प्रेमियों दुष्ट को मार दिया है और पृथ्वी का उद्धार करके और पृथ्वी को स्थापित कर दिया है। हिरणाक्ष को मारा गया, हिरण्यकश्यप भाई का बदला लेने के लिए प्रेमियों
मंदराचल पर्वत पर चली गया है और जाकर के बड़ी भारी तपस्या करी है कि उस विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और जब ये तपस्या करने लगा तो प्रेमियों एक पैर के एक अंगूठे पर खड़ा होकर के अर्धोमुख ऊपर की तरफ मुंह करके और खड़ा हो गया है। और प्रेमियों बड़ी भारी तपस्या कर रही है और इसकी तपस्या की जो ज्वाला है, अग्नि है, वह जैसे ब्रह्मांड को जलाएगी। इंद्र का भी इंद्रासन हिल गया, देवता घबरा गए हैं और पृथ्वी माता दुखी हो गई है। प्रेमियों उसी समय पर देवता त्राहिमा करते ब्रह्मा जी के पास फिर आ गए हैं और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभु कोई उपाय। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं डरो मत, मैं स्वयं उसके पास जाता हूँ। और ब्रह्मा जी यहाँ से गए हैं और ब्रह्मा जी जैसे ही पहुंचे इसकी तपस्या को देख करके प्रभावित हुए, कहा उत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धोऽसि काश्यपा वरदोऽहम् मनो प्राप्तो प्रेताभीप्सितो वरः। अरे कश्यप के पुत्र काश्यप हिरण्याक्ष उठो पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो। अब तो जो ही इसके हाथ लगाया और शरीर दिव्य बन गया। कहा ब्रह्मा जी, तो आप मुझे वरदान देने के लिए, वर देने के लिए आ गए कि हाँ? अच्छा तो प्रेमियों जो ही आई जो ही ब्रह्मा जी ने हाथ लगाया वर देने की कही, हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज वरदान दोगे? कि हाँ मांगो। कि महाराज सोच समझ करके देना। कमंडल के छींटे दिए और तो ये मांगने लगा। क्या मांग लिया प्रेमियों? कीना तरे वही दीवान रखता ब्रह्मा जी, ना तो दिन में मरू, ना रात में मरू, ना बाहर मरू, ना बाहर मरू, और ना मेरी मौत मनुष्य से हो, ना कोई सिंह इत्यादि पशु पक्षी से मेरी मौत हो, और ना 12 महीनों में भी मेरी मौत ना हो, हस्त से मरू ना शस्त्र से मरू। और ब्रह्मा जी 12 महीनों में मेरी मौत ना हो और आपकी बनाई हुई सृष्टि से भी किसी भी जीव से मेरी मौत ना हो। इतना सुनते ही तो ब्रह्मा जी को भी पसीना आ गया कि ये दुष्ट फिर मरेगा कैसे। पर ब्रह्मा जी ने सोचा, ठीक है, अपना काम तो वरदान देने का, दो ना, जाने भगवान विष्णु। और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि जाओ भैया, दिया अब तो वरदान प्राप्त है। तो पीठ फिर करके देखाई नहीं ब्रह्मा जी की तरफ और चल दिया है। और प्रेमियों अपने नगर को आया है और आते ही तो भेज भजवा दी इस दुष्ट ने, कोई भी राम का नाम नहीं लेगा, कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा, राम का नाम यदि कोई लेता पाया साधु ब्राह्मण तो उसे जीवित मत छोड़ो, दैत्यों को आदेश दे दिया। तो प्रेमियों ब्राह्मणों ने तो अपना जो बैग है बंद कर लिया, संतों ने अपनी जो आश्रम है उनको छोड़ करके कंदराओं में पहाड़ों में जाकर के जगह बना ली है, गुप्त रूप से भगवान का भजन करने लगे। लेकिन कोई साधु संत बेचारा कोई ब्राह्मण पकड़ में आ जाए, ये दुष्ट दैत्य उनको मार करके खा जाए, पृथ्वी माता दुखी हो गई। और प्रेमियों देवता फिर ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु इसका अत्याचार बहुत बढ़ गया है, गौ की हत्या हो रही है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, संतों की हत्या हो रही है, पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया भगवान का
भगवान विष्णु का ध्यान करो तो प्रेमी सभी भगवान का सुंदर कीर्तन करने लगे। आइए हम भी अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें कि गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय राम।